दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप एक यूट्यूब चैनल पर। स्वास्थ्य में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एडमिट कार्ड के बारे में। यूजीसी नेट एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और यहाँ पर किन के लिए जारी किया गया है ये आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। और यहाँ पर जो शेड्यूल जारी हुआ है यहाँ पर एग्जाम का, उसमें ग्रुप वन और ग्रुप टू शेड्यूल क्या है इसे आपको डिटेली यहाँ पर समझाया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाए जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया हुआ है। यूजीसी नेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको UGCNET.NTA.NIC.IN की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सेक्शन मिल जाते हैं डाउनलोड करने के एडमिट कार्ड के प्रोसेस के बारे में। अब यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड किन के लिए जारी किया गया है। तो एडमिट कार्ड इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द एग्जाम डेट 20 and 21 नवंबर। तो यहाँ पर 20 और 21 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन्हीं के लिए जो है सिर्फ एडमिट कार्ड जारी किया गया है। फॉर अदर एग्जाम डेट विल बी अवेलेबल सून, यानी जितने भी एग्जाम डेट और निकलने वाले हैं वो जल्द ही इस पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो 20 और 21 नवंबर को होने वाले हैं उनके लिए एडमिट कार्ड जो है जारी किया गया। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर यूजीसी नेट December 2020 June 21, इसको आपको क्लिक कर लेना है ब्लू वाले लिंक पर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरीके से आपका आ जाता है। इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे दिया गया यहाँ पे डाल करके दोस्तों आपको सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ से आपका जो है एडमिट कार्ड जो है आ जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ देख सकते पब्लिक नोटिस, उसके बाद डेट 13/11/2021 का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है PDF फॉर्मेट आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए इसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था, आपको यहाँ पर दिखा दें इसमें क्या बताया गया है। जारी नोटिफिकेशन में आप यहाँ देख पाएंगे इस तरीके से डेट और यहाँ पर पब्लिश नोटिस करके इस तरीके से ये जारी किया गया है, जिसमें 13 तारीख का डेट दिया गया है। डेट एंड सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल फॉर UGCNET December 2020 and June 2021 साइकिल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से जिसमें बताए गए, इसमें सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं, सब्जेक्ट नेम दिए गए हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम डेट दिए गए हैं और यहाँ पर शिफ्ट वाइज दी गई है, यानी कि ये शिफ्ट वन में होने हैं इतने। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सभी के 20 नवंबर यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ शिफ्ट वन और शिफ्ट टू दिया गया है। तो दो शिफ्ट में ये आपके एग्ज़ाम वगैरह होने हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें तो इस तरीके से ऊपर आएंगे तो यहाँ पर भी देखें सब्जेक्ट नेम और यहाँ पर सब्जेक्ट कोड दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे जो है आपका एग्ज़ाम डेट 22 और शिफ्ट वन शिफ्ट टू, तो यहाँ पर भी जो ग्रुप वन लिखा गया है ग्रुप टू लिखा गया है, इसमें भी जो है काफ़ी कैंडिडेट होने के नाते इसे दो ग्रुपों में बांटा गया है। यानी कि एक ग्रुप में किनके जो है यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे वो एडमिट कार्ड जैसे आप डाउनलोड करेंगे इन सभी सब्जेक्ट के जब होने होंगे तो उस आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। अगर ग्रुप वन लिखा होगा तो आपको जो है इस 22 नवंबर में शिफ्ट वन में जो है जाना है, इस पेपर को देना है, ठीक है। अगर आपको पॉलिटिकली ही साइंस का ग्रुप टू लिखा गया है तो आपको 22 नवंबर में शिफ्ट टू में ये चीज़ें ये पेपर आपको देने हैं। तो ये सभी के एडमिट कार्ड पर ये प्रदर्शित होगा जैसे एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे इन सब्जेक्ट के, उसके बाद उसी पर ही ये ग्रुप वन और ग्रुप टू लिखा रहेगा। यानी कि ज़्यादा कैंडिडेट होने के नाते जो है ये ग्रुप को जो है डिवाइड कर दिया गया है और आपको जो एग्ज़ाम होने वो शिफ्ट वन शिफ्ट टू में इसी तरीके से होने हैं। तो इसमें जो है इसका जो है मतलब यही है। आप इस PDF नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से। सो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन इनेबल कर लें ताकि आने वाले एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी आपको समय पर मिलती रहे।